फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं आप अपने मोबाइल की बैटरी को 100% से ज्यादा किस तरीके से चला सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं आप अपनी मोबाइल की बैटरी का बैकअप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या आप अपने फोन का बैकअप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं बैटरी का, तो आपको इस देखना होगा इस वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रेक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं 7 रीजंस जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं या जिन वजह से आपकी मोबाइल का बैटरी बैकअप कम हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन है आपकी मोबाइल की होम लॉन्चर एप्लीकेशंस। अगर आपने ऐसी होम लॉन्चर एप्लीकेशंस को यूज़ किया है या इंस्टॉल किया हुआ है जो आपको एक डिफरेंट व्यू देती है आपकी होम स्क्रीन पे अपने मोबाइल पर, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। ऐसा करने की वजह से जो भी बैकग्राउंड में कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है वो आपकी मोबाइल की बैटरी को ड्रेन नहीं करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से आपकी मोबाइल की बैटरी बैकअप कम हो जाता है, वो है सोते वक्त आपके मोबाइल का इंटरनेट पैक ऑन होना। अगर आप सोते वक्त मोबाइल के डेटा पैक को ऑन रखते हैं तो आप आज से इसे ऑफ करने की आदत डाल सकते हैं, जिससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो इससे कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट नहीं होगा आपके मोबाइल से सोते वक्त, और साथ ही आपके मोबाइल में जब डेटा पैक ऑफ होगा तो जो भी बैकग्राउंड में सारी एप्लीकेशंस चल रही है वो इंटरनेट को यूज नहीं करेगी और उससे आपकी बैटरी बैकअप बढ़ पाएगा। अगर थर्ड रीजन की बात करें तो आप लाइव वॉलपेपर्स को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में लाइव वॉलपेपर्स ऑन है तो ऐसे में ये कंटिन्यूसली आपके मोबाइल की बैटरी को ड्रेन करते जाते हैं, क्योंकि इसके लिए बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली प्रोसेसेस चलती जाती हैं, तो आप लाइव वॉलपेपर्स को ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ रीजन है अगर आपने ओला, ओएलएक्स, उबेर या जी मैप्स टाइप के एप्लीकेशंस को यूज किया है तो उसे यूज करने के बाद आप तुरंत अपने जीपीएस की सर्विस को ऑफ कर दीजिए या लोकेशन सर्विस को ऑफ कर दीजिए। ऐसा करने से आप अपने मोबाइल की बैटरी को उस टाइम बचा पाएंगे जब आपको जीपीएस लोकेशन सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिफ्थ रीजन है अपने मोबाइल की ब्राइटनेस का ध्यान रखना। अगर आपके मोबाइल की ब्राइटनेस जरूरत से ज़्यादा होती है तो आपकी मोबाइल की बैटरी का बैकअप ऐसे में कम हो जाएगा। ऐसे में आपके मोबाइल का बैकअप सिर्फ आज के लिए ही नहीं, फ्यूचर के लिए भी उसकी बैटरी बैकअप देने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को डिम रख सकते हैं जब भी आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हों। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्स्थ रीज़न ये हो सकता है अगर आप अपने मोबाइल में बैटरी सेवर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप कम हो जाता है। बैटरी सेवर बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस को ऑलरेडी ही डिसेबल कर देता है जिससे आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप बढ़ पाए। तो अगर आप टूर पे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या अगर आपके पास अपना मोबाइल का चार्जर नहीं है तो आप ऐसे में बैटरी सेवर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें सेवन्थ रीज़न की तो आपको अपने मोबाइल के टेम्परेचर को कूल रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप बढ़ पाएगा। अगर आप अपने मोबाइल को कूल प्लेस पे रखते हैं, यहाँ पे कूल से हमारा मतलब फ्रिज नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। कूल से हमारा मतलब है जैसे फैन में या डायरेक्ट सनलाइट में रखने से आप अगर उसे बचा लेते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिसका यूज़ करके आप अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नो ब्रेक्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपके लिए सचमुच यूजफुल रही, ये सब बताने के लिए आप कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहने के लिए और टेक्नो ब्रेक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।